हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत ही जूसी बहुत ही टेंडर और बहुत ही अच्छी चटपटी सी रेसिपी मैं आज लेकर आई हूं तो ये बहुत ही इजी है बनाना और जिसके लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द रेसिपी तो सबसे पहले हमें लेना है एक बर्तन उसमें ऐड करेंगे हम लोग थ्री टेबल ऑयल आप लोग थ्री टेबल लो टू टेबल लो आपके हिसाब से है और उसके बाद चॉप की हुई प्याज़ जो मैंने ली हूँ डेढ़ यहाँ पर डेढ़ प्याज लेना है हमें आप चिकन के ऊपर डिपेंड है अगर आपका चिकन आधा किलो के बराबर है या 600 हंड्रेड ग्राम्स है तो आप लोग प्याज़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते सो so, मैंने यहाँ पर ली हूँ 250 फिफ्टी ग्राम्स चिकन तो उसके लिए मैंने ली हूँ डेढ़ प्याज और उसमें ऐड करेंगे अदरक लहसन का पेस्ट वन एंड हाफ़ टेबल स्पून ये ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा भून लेना है प्याज लाल होने के बाद प्याज़ ज़्यादा लाल भी नहीं करना है मीडियम जैसे आप लोग को दिख रहा है वैसे ही करना है सो so, अच्छे से इसे मीडियम फ्लेम रखना है हमें ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है वरना प्याज जलने लग जाएगी सो so, इसी तरह से अच्छे से हम लोग अदरक लहसुन के पेस्ट जो है उसे अच्छा सा भून लेंगे ये भून चुका है अब इसमें ऐड करेंगे हल्के से इंग्रेडिएंट्स जो है वन टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर और उसके बाद ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार तो मैंने यहाँ पर ली हूँ वन एंड हाफ़ टेबल स्पून वन एंड हाफ़ टी सॉरी आप लोग टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा ये ऐड करने के बाद भी अच्छा सा मिक्स दे देंगे फिर उसके बाद अब हमें इसमें ऐड करना है हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है चिकन चिकन को मैंने अच्छा सा वॉश करके ले लिया है क्लीन कर लिया है और अब इसमें ऐड कर देंगे ये देखिए मैंने ऐड कर दी हूँ अब इसे अच्छा सा देंगे मिक्स और फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है अब हमें क्योंकि अभी अभी हम लोग ने ऐड किया है इसमें चिकन और पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है ऐसे ही मिक्स करके हमें इसे ढक देना है कम से कम सेवन मिनट्स के लिए सेवन मिनट्स होने के बाद आपसे मिलते हैं अभी ये देखिए सेवन मिनट्स हो चुके हैं और माशाल्लाह से चिकन ऑलमोस्ट फिफ्टी फिफ्टी कुक हो चुका है तो आगे के इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करते हैं तो अब मैंने ऐड की हूँ इसमें वन टेबल स्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च वन टी के बराबर गर्म मसाला और वन टी बराबर धनिया पाउडर ये दोनों हमें ऐड कर देना है फिर उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे वन टी के बराबर ज़ीरा पाउडर ये ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर नहीं है तो आप लोग 11 काले मिर्च को अच्छा सा क्रश कर लेना है जैसे मैंने की हूँ इसे क्रश होने के बाद और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है तो ये ऐड कर देंगे फिर सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स देंगे जैसे मैंने दी हूँ ये देखिए इस तरह से इसे मिक्स दे देना है और कलर एकदम फाइन आएगा आप लोगों को कश्मीरी लाल मिर्च ही यूज़ करना है बहुत लोग से मिस्टेक हो जाती है तो उन लोग लाल मिर्च यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है कश्मीरी लाल लाल मिर्च से बहुत अच्छा कलर आता है ये देख सकते हो आप लोग एकदम अच्छा अटैप्टिंग दिख रहा है सो so, अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसमें अब हम ऐड करेंगे हरी मिर्च जो मैंने ली हूँ आठ से दस ली हूँ क्योंकि हम लोग तीखा ज़्यादा खाते हैं इसे बीच में से क्रश करके बारीक बारीक कट कर लेना है ये ऐड कर देंगे इसे भी अच्छा सा मिक्स देंगे और इसे हमें ढक कर रखना है कम से कम पाँच से छः मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर ताकि जो चिकन बाकी था वो भी गल जाए पाँच से छः मिनट हो गए हैं माशाल्लाह से चिकन भी गल चुका है सब अच्छे से हो चुका है अब इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता करी लीव्स मैंने यहाँ पर ली हूँ सात से आठ ये ऐड करना है ये हमें बाद में इसीलिए ऐड करना है क्योंकि हल्की सी जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो हमारे चिकन में आ जाए जो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगी सब चीज़ों को मिक्स कर दिया मैंने अब ऑलमोस्ट हमारा सालन बनकर रेडी हो गया है अगर आप लोग चाहो तो इसे विदाउट ग्रेवी भी खा सकते हो अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें ऐड करो वाटर वाटर अगर ऐड करोगे तो कम से कम वन एंड हाफ कप वाटर ऐड करोगे तो बहुत अच्छा ग्रेवी बनकर रेडी हो जाएगा उसके बाद इसे गार्निश करने के लिए मैंने ऐड किए हुए इसमें कोरिएंडर लीव्स तो वो ऐड कर देना है अच्छे से और अब देखो हमारा फ्लेम को बंद कर देना है अब हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो गई है बहुत ही जूसी बहुत ही टेंडर बहुत ही टेम्पटिंग बनकर रेडी हो गई है सो तो डू ट्राई दिस रेसिपी तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे नज़दीक से ज़रूर देखिए बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हुई थी अगर आपको ग्रेवी लगाना है तो इसमें वन एंड हाफ़ कप वाटर ऐड कीजिए लो फ्लेम पर इसे छोड़ दीजिए और हमारा ग्रेवी वाला सालन भी बनकर रेडी हो जाएगा तो अल्लाह हाफिज़